पानीपत की जिला कोर्ट में चौथी मंजिल से एक 30 साल का युवक गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। युवक लूटपाट और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी था, जिसे कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर आई थी। यहां उसने पुलिस से हाथ छुड़वाया और भागने लगा। जिस ओर वह भागा वहां से रास्ता नहीं था, पीछे के रास्ते वह सीधा चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। इसके बाद पुलिस तुरंत उसे सिविल अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पंचनामा भरवाकर शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस मामले की आगामी कार्यवाही कर रही है। मृतक की पहचान सौदापुर गांव के रहने वाले सौरभ के रूप में हुई। दो बजे कितने तो आपको क्या लगता है कैसे क्या हुआ होगा? दो हजार पंद्रह 8/11/2021 को 379/55/59 में सौरभ और गौतम नाम के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। इसमें ये सौरभ सुलभ सुरजीत सिंह वासी सोनदापुर कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। दौरान ट्रायल माननीय अदालत ने आरोपी सौरभ के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, जिसमें 82-83 कार्रवाई चल रही थी। आज इसको सेक्टर 29 थाना की पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद इसको बाहर बैठाया गया और इसने वहाँ से पुलिस अभिरक्षा से एकदम हाथ छुड़ा करके ये चौथी मंजिल से कूद गया। सुसाइड कोशिश की थी या फिर कैसे क्या किया? प्रश्न दृष्टा ये लगता है कि इसने भागने की कोशिश करी थी। इसको लगा होगा कि मैं पहली मंजिल पर कूद के मैं भाग जाऊँगा, ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न दृष्टा क्या पुलिस की तरफ से कोई दबाव बनाया गया था? पुलिस की तरफ से कैसे दबाव होगा? तो आप सुबह पेश, आज सुबह पकड़ा, आज सुबह पकड़ा, तुरंत पेश कर दिया, किस प्रकार का दबाव होगा बताइए आप। उसने उसे वो कोर्ट द्वारा उसके वारंट जारी किए गए थे, अब पुलिस का दबाव कैसे था बताइए। पुलिस कस्टडी में था? पुलिस कस्टडी में नहीं था। पुलिस कस्टडी मतलब कोर्ट में पेश कर रहे थे, वो पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशियल कस्टडी दोनों होगी ना। आप देखो सर, पूरे सर पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, बस इतना बताओ। पूरे मामले को देखो, देखिए देखिए जिम्मेदारी पुलिस की, सारी जो जिम्मेदारी पुलिस की है, ठीक है, और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगी। हम चिट्ठी लिख रहे हैं सर साहब को, वहाँ से जज साहब पॉइंट होंगे और वो जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद सारी बातें सामने आएंगी।